हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज यहाँ पे मैं स्विफ्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैंने ऑब्जेक्ट सी के 44 से भी ज़्यादा मैंने 40 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी ऑब्जेक्ट सी के अंदर पकड़ बनाने के लिए ये वीडियो बहुत काफ़ी है। तो अभी मैं यही बात बोल रहा हूँ कि आप अभी स्विफ्ट के अंदर स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी स्विफ्ट के अंदर थोड़ी पकड़ बना दो। एंड जो भी वीडियोस बाकी है, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ है सभी, एंड व्यू कंट्रोलर की साइकिल्स एंड वो है, वो ऑब्जेक्ट सी के अंदर मैं बीच में अपलोड कर दूंगा। और अभी आप स्विफ्ट स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी आप बाहर जाओगे जब भी जॉब लेने के लिए, तो भी आपको स्विफ्ट ही चाहिए। और मुझे रिक्वेस्ट भी बहुत आ रही थी कि स्विफ्ट स्टार्ट करो, क्योंकि टेबल व्यू है, कलेक्शन व्यू, सभी पार्ट हमने ऑब्जेक्ट सी के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर दिए, ठीक है, बेसिक से लेकर जेसन तक। अभी बेसिक डेटा टाइप हम कैसे डिक्लेयर करते हो स्विफ्ट में, कैसे टेबल को रन कर सकते हो, वो सभी चीज़ अभी सीखते हैं। उसके बाद जो भी स्टफ बाकी है वो मैं ऑब्जेक्टिव सी के अंदर बीच में मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी आप स्विफ्ट में प्रैक्टिस करो। एंड मेरी रिक्वेस्ट एक ही है कि जो भी मैंने वीडियोस डाले ऑब्जेक्टिव सी के, वो एक बार अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद स्विफ्ट के अंदर ये मेरा वीडियो है जिसमें मैं पूरे बेसिक डेटा टाइप्स है वो सब मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे कि एरे है, स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है, कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, फॉर लूप एंड ऑल, ठीक है। तो आई होप गाइज कि आपको ये अच्छा लगेगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है स्विफ्ट के अंदर, तो आपको अच्छा लगे। एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जाते हैं एक्सकोड के अंदर। एंड अगर स्विफ्ट स्टार्ट करना है तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे गेट स्टार्ट विथ प्लेग्राउंड है, ठीक है। वहाँ पे ब्लैंक में जाके कुछ भी नाम लिख दो एंड देन क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप प्लेग्राउंड के अंदर भी अच्छे से रन कर सकते हो, ठीक है। पर ये क्या है, मेरा अभी प्लेग्राउंड में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो थोड़ा टाइम लेके रन होता है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड आप प्लेग्राउंड में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करना है तो प्लेग्राउंड में कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्रिएट ए न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट सिंगल व्यू एप्लीकेशन। एंड स्विफ्ट के अंदर मैं नाम देता हूँ डेमो 1-2 देन नेक्स्ट एंड जस्ट क्रिएट, ठीक है। तो व्यू कंट्रोलर स्विफ्ट में जाते, अभी ये सब कुछ मत देखना, मैं आपको बेसिक डेटा टाइप एंड वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। आप ये सभी चीज़ जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वो आप करना वहाँ पे प्लेग्राउंड में, ठीक है। क्योंकि मेरा प्लेग्राउंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही मिनट, मैं सेट कर देता हूँ सब। ओके, तो अभी मैं जो कर रहा हूँ ना, वो सब आप प्लेग्राउंड में करना, ठीक है। ये फंक्शन बक्सर कुछ मत लिखना, प्लेग्राउंड में करना जो भी मैं अभी कर रहा हूँ वो, क्योंकि मेरा का वर्क नहीं कर रहा, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सकोड में कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले तो गाइस, स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वो पहले तो देखते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, तो अगर ऑब्जेक्ट ही सी होता तो हम क्या करते थे, ऐसे लिखते थे कि एनएस स्ट्रिंग, उसका नाम मैंने दे दिया str एंड देन सेमीकॉलन। हम ये ऐसे करते थे और इसे हम बोलते थे कि ये इम्यूटेबल है, ठीक है। और अगर ns mutable string ऐसे लिखेंगे और इसका नाम मैं दे देता हूँ main str, ये ऑब्जेक्टिव सी में हम करते थे, तो ये था म्यूटेबल स्ट्रिंग। और मैंने बोला था कि म्यूटेबल को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विफ्ट में एन स्ट्रिंग जो इम्यूटेबल स्ट्रिंग है उसको बोलते हैं लेट, एंड इसको बोलते हैं वेरिएबल इम्यूटेबल म्यूटेबल स्ट्रिंग के लिए। अगर आपको म्यूटेबल स्ट्रिंग चाहिए तो आप क्या करोगे, वेयर लिखोगे इसकी जगह पे। अगर आपको इम्यूटेबल चाहिए तो एन स्ट्रिंग की जगह पे लिखना लेट। ये सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पे। जैसे मैं लिखता हूँ कि लेट एस टी आर इज इक्वल्स टू हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ एस टी आर को। तो ये प्रिंट होके आएगा कि हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि ये जो वैल्यू है तो इसको हम नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये है इम्यूटेबल, लेट इम्यूटेबल है, ठीक है, इसलिए हम इसको तो चेंज कर नहीं सकते। तो देखो यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स आ गया जो हमने प्रिंट किया str। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि str इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू को मैं अपेंड कर रहा हूँ स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग में अपेंड कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्विफ्ट, तो अभी ये क्या बोलेगी हमें देखना, ये मुझे एरर देगा कि कैन नॉट असाइन टू वैल्यू str इज अ लेट कंस्ट्रेंट। वो ऐसा बोल रही है कि हमें
लेट जो कंस्टेंट वैल्यू है इसके अंदर आप अपेंड नहीं कर सकते, आप वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, आपको क्या करना होगा, चेंज लेट टू वेयर टू मेक इट म्यूटेबल। अगर आपको वैल्यू ऐड करनी है तो आपको म्यूटेबल स्ट्रिंग चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव सी में हम लिखते थे ना ns म्यूटेबल स्ट्रिंग, तो वो स्विफ्ट में है वेयर। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और अभी आपको वेरिएबल, ये है मेरा म्यूटेबल स्ट्रिंग और इसका नाम देता हूँ मेन str इज इक्वल्स टू योगेश कर देता हूँ, ठीक है, मेरा नाम मैंने लिख दिया। तो अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ मेन स्ट्रिंग को, तो वो क्या होगा कि मेरा ये जो पहला योगेश वो तो मुझे शो कर ही देगा वो, तो देख लेते हैं कि ये यहाँ पे योगेश तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ मेन str के अंदर मैं लिख देता हूँ पटेल, मैंने अपेंड कर दिया, पर अभी मुझे ये एरर नहीं देगा। इसको रन करते हैं और देखते हैं, तो अभी क्या होगी कि जो वैल्यू मेन str के जो वैल्यू थी वो थी योगेश, तो अभी वो चेंज होके पटेल हो जाएगी, और वो क्योंकि वो म्यूटेबल है तो वो चेंज हो जाएगी, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया, नहीं तो मैं प्रिंट कर देता हूँ मेन str को, उसको रन करते हैं, तो अभी उसकी वैल्यू हो जाएगी पटेल, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, तो देखो उसकी वैल्यू हो गई पटेल, क्योंकि ये वेयर है, वेयर म्यूटेबल है तो उसको चेंज कर सकते हैं, एंड लेट जो है वो इम्यूटेबल है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वैल्यू को चेंज करना है तो आप वेयर डिक्लेयर कर देना, अगर आपको कंस्टेंट ही रखना है तो आप लेट से डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको आप एन एस स्ट्रिंग या ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल हो गया है। और अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो मैंने यहाँ पे कहीं भी जगह पे मैंने सेमीकोलन नहीं किया है, ठीक है। तो स्विफ्ट के अंदर अगर आप सेमीकोलन नहीं करोगे, ये हम करते थे, तो चलेगा, वो एरर नहीं देगा, अगर आप करोगे तो भी वो एरर नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शनल चीज़ हो गई है सेमीकोलन के स्विफ्ट के अंदर, ठीक है। और प्रिंट करना है तो एन एस लॉग का यूज़ नहीं होगा स्विफ्ट के अंदर, हमें प्रिंट का यूज़ करना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे एन एस लॉग ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, पर पूरा चेंज हो जाएगा इसलिए। तो अभी यहाँ पे फॉर्मेट एंड ऑल आ जाएगा, तो अभी प्रिंट का यूज़ करना कहीं पे भी अगर आपको प्रिंट करना है तो। और दूसरी चीज़ यह है स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ये मैंने स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और लेट और वेयर का डिफरेंस क्या है, ये याद रखना, ये बहुत काम आएगा। और बहुत सारी जगह पे ये बोलेंगे कि लेट क्या है और वेयर क्या है, वेयर क्या है, ठीक है गाइस। सेकंड चीज़, अभी देखो इसमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की थी जब मैं स्विफ्ट कर रहा था, मुझे भी हार्ड लगा था, पर आप प्रैक्टिस करना आपको आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। अभी एम्प्टी स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर आपको बोले कि कोई एम्प्टी स्ट्रिंग बना दो तो आप क्या करोगे, तो क्या करोगे, लेट करना और उसके बाद लिख दो कि एम्प्टी, लिख देते चलो एम्प्टी str, तो इसको ऐसे लिख दो, बस कुछ लिखना ही नहीं है, तो ये एम्प्टी हो गया। अगर अभी हमें चेक करना है कि एम्प्टी है कि नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि इफ़ एम्प्टी str जो हमारी स्ट्रिंग है वो, ठीक है, देखो स्ट्रिंग है हमारी एम्प्टी str डॉट इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है तो क्या करना है कि प्रिंट कर देंगे कि ये एम्प्टी है, एल्स अगर ये एम्प्टी नहीं है तो प्रिंट होगा नॉट एम्प्टी, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली क्योंकि ये एम्प्टी है तो वो क्या होगा, एम्प्टी हमें प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है, तो देख लेते हैं, सो इट्स एम्प्टी, ठीक है। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हम कैसे डिक्लेयर कर सकते, ये यहाँ पे मैंने वो भी बता दिया। और अभी एक और चीज़ कि अभी हम स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करते, कंपेयर करते हैं ना स्ट्रिंग को हम, तो वो, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ v1 इज इक्वल्स टू, उसका नाम दे देते हैं हेलो, एंड एक और वेरिएबल ले लेता हूँ v2 और इसका नाम दे देते हैं हेलो, एंड देन इफ v1 इज इक्वल्स टू v2 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट इक्वल लिख देते हैं, ठीक है, एंड एल्स प्रिंट नॉट
इक्वल। तो अभी v1 जो मेरी स्ट्रिंग है वो एंड v2 जो स्ट्रिंग है वो दोनों सेम ही है, तो वो इक्वल प्रिंट होगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि वो क्या प्रिंट हो रहा है। तो वो हो रहा है इक्वल। ठीक है, तो ये ऐसे हम कंपेयर को स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ और इसको एक बार रन करता हूँ, तो वो एल्स में चला जाएगा क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं हो रहे, क्योंकि ये हेलो 1 ये हेलो है, तो वो हो जाएगा नॉट इक्वल। ठीक है, तो ऐसे हम स्ट्रिंग को कंपेयर भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया। ठीक है, अभी गाइज आप अगर ऑब्जेक्टिव सी में पता हो कि हम ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं इफ़ के अंदर, तो अगर आप वो नहीं करोगे तो चलेगा, और करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखो एक बार देख लेते हैं। अगर आप ब्रैकेट नहीं करोगे तो भी ये रन होगा, आपको आउटपुट देगा, अगर करोगे तो भी आउटपुट देगा। ठीक है, एंड देखो मैं यहाँ पे कहीं पे भी सेमी कोलन नहीं कर रहा हूँ, तो आप नहीं करोगे तो वो चलेगा। एंड प्रिंट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, नॉट इक्वल क्योंकि हेलो 1 था इसलिए। ठीक है, एंड ये मैंने कंपेरिजन हम कैसे कर सकते हैं मैंने आपको वो बताया। अभी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम वैल्यू को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। प्रिंट करना हो ना वेरिएबल को, तो वो जैसे कि देखो यहाँ पे है वेरिएबल v1। ठीक है, तो अगर इसको निकाल के अगर मैं ये ऐसा लिखूं कि ऐसा स्लैश करके, अगर आपको जो भी ये स्ट्रिंग है उसके अंदर जो भी चीज़ है वो आपको लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, v1 एंड स्लैश ब्रैकेट v2 इज इक्वल। ठीक है, ऐसे इक्वल टू के अंदर लिखना कि v1 एंड v2 इक्वल। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे स्लैश ब्रैकेट एंड देन v लिखना। तो देखो आप स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको आपने जो भी मेथड बनाई थी वो, तो कि v1 एंड स्लैश v2 इज नॉट इक्वल। ठीक है, इसको रन करते हैं एंड प्रिंट करते हैं। तो अभी क्या होगा, हेलो जो ये v1 के अंदर जो हेलो 1 एंड हेलो इज नॉट इक्वल, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो ये वैसे प्रिंट होगा। देखो हेलो 1 एंड हेलो इज नॉट इक्वल, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग बनाई थी उसका जो नाम था उसको अगर आपको यूज़ करना है, उसके अंदर के जो भी वैल्यू जो आपने दी है उसको अगर यूज़ करना है, तो आप ऐसे लिखना जो भी नाम हो, जो भी मेथड का नाम है वो स्लैश करके ब्रैकेट के अंदर आप लिखना। ठीक है, तो ये प्रिंट का आप ऐसे कर सकते हो, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो भी ये भी याद रखना। ठीक है, सभी जो भी चीज़ है सभी चीज़ इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, स्विफ्ट में जो भी बेसिक जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सभी मैं यहाँ पे बोल दूंगा। ठीक है, अभी प्रिंट वेरिएबल तो आपको मैंने बोल दिया कि ऐसे कर सकते हो, एक और मैं प्रिंट वेरिएबल का एग्जांपल ले लेता हूँ कि वेरिएबल cv1 इज इक्वल्स टू लिख देते हैं गॉडज़िला। ठीक है, एंड देन वेरिएबल मैं cv2 ले लेता हूँ 1000.00। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी ये प्रिंट कर रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ स्लैश cv1 ठीक है इज मोर देन स्लैश v2 मिलियंस। अभी रन करके देखते हैं, तो अभी क्या होगा कि वैल्यू ऑफ गॉडज़िला इज मोर देन 1000.00 मिलियंस, ऐसा प्रिंट होके आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ गॉडज़िला इज मोर देन हेलो, ओके हेलो क्यों आ गया, ओके यहाँ पे मैंने v2 कर दिया, तो यहाँ पे cv2 होना चाहिए। इसको रन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, अगर हमने जो भी वेरिएबल लिया है उसका जो भी नाम है उसके अंदर के जो भी वैल्यूज हमको करनी है, तो प्रिंट के अंदर आप स्लैश करके ब्रैकेट के अंदर लिख देना, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि वैल्यू ऑफ गॉडज़िला इज मोर देन 1000.00 मिलियंस। ठीक है गाइस, सो ये वेरिएबल यहाँ पे मैंने इफ एल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन स्विफ्ट में नहीं होता है, एंड लेट एंड वेयर का डिफरेंस, एम्प्टी स्ट्रिंग, देन कंपेयर कैसे कर सकते हैं, एंड वैल्यू को प्रिंट कैसे कर सकते हैं, मैंने इतनी चीज़ आपको यहाँ पे मैंने बता दी। ठीक है, एक और चीज़ देखो,
अभी मैं वेरिएबल ले लेता हूँ वी ए और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ इंटीजर, ठीक है। अभी मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ वी बी और इसको मुझे फ्लोट चाहिए। तो अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1.2 1.2, ऐसे भी कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू को डिक्लेयर नहीं करना तो मैं सेमी कॉलन करके यहाँ पे लिख दूंगा कि फ्लोट। उसके बाद वी बी है मेरा, देखो वहाँ पे फ्लोट तो आ ही गया वो, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ ऐसे नीचे, सिर्फ मैं ऊपर सिर्फ जो ये म्यूटेबल है कि नहीं है वो, उसके बाद टाइप कौन सी चाहिए वो एंड देन नेम, यही मैं सिंपली ऊपर डिक्लेयर कर सकता हूँ। एंड उसके बाद उसकी वैल्यू मुझे जहाँ पे भी असाइन करनी है वहाँ पे मैं ऐसे असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं देखो यहाँ पे प्रिंट करूँगा वी बी को, तो वो आपको 12.12 दे देगी, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें कि आप वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बोल दिया कि आप देखो यहाँ पे आ गया कि आपको ऊपर पहले यही डिक्लेयर कर दो, उसके बाद जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है वेरिएबल डिक्लेयर, ठीक है। टेंशन मत लेना, ठीक है, बहुत इजी है। अगर आपको कुछ भी इशू हो रहा है, कुछ भी क्वेरी हो रहा है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दूंगा। बहुत इजी वे में आपको मैं समझा रहा हूँ कि लेट वेयर का डिफरेंस एंड देन वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से एरे डिक्शनरी सब कुछ मैं अच्छे से यहाँ पे समझा दूंगा, टेंशन मत लो। तो अभी ये पूरे स्विफ्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ओके टॉपिक है जो मुझे भी समझ में बहुत टाइम के बाद आया था, उसका नाम है ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल वैल्यू किसको बोलते हैं, ये बहुत डेंजर है। अगर इसका मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ डबल ए और इसका टाइप है इंटीजर, ठीक है। अभी मैं इसके बाजू में ऐसे कर देता हूँ क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं स्विफ्ट के लैंग्वेज में ऑप्शनल, ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं ऑप्शनल। तो अभी एक और वेरिएबल एसएस करके डिक्लेयर करते हैं, उसका टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी ऑप्शनल मैंने डिक्लेयर कर दिया। अभी क्या करना है देखो, जैसे कि ये पहले तो याद रखना कि ऐसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ये सेमी कॉलन करके उसका टाइप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है स्विफ्ट करोगे तब। तो अभी मैं प्रिंट करता हूँ डबल ए को एंड एस एस को, रन करते हैं। तो यहाँ पे रन होगा नील वैल्यू, देखो डबल ए एंड डबल एस की वैल्यू नील हमको दे दिया उसने कि इसकी वैल्यू नील है। तो ये ऑप्शनल का मीन्स है कि अगर आप ऐसे ऑप्शनल डिक्लेयर कर दोगे कहीं पे भी वेरिएबल डाल के, तो वो नील वैल्यू पहले असाइन कर देगा कि ये वैल्यू नील है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नील वैल्यू है, ऐसा वो डिक्लेयर कर देगा। उसका मीनिंग है ऑप्शनल। अगर आपको किसी भी चीज़ को नील डिक्लेयर करना है तो आप टाइप के बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क करके नील डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है तो वो भी हम चेक करते हैं, देखो कि इफ एस एस इज नॉट इक्वल्स टू नील, अगर वो नील नहीं है तो क्या प्रिंट करते हैं कि स्ट्रिंग इज नॉट नील, एल्स अगर वो नील है तो प्रिंट करेंगे कि ये स्ट्रिंग इज नील, रन करता है। तो हमको तो पता ही है क्योंकि हमने तो ऑप्शनली डिक्लेयर किया है, तो ये तो नील ही होगी, तो वो क्या होगा एल्स में जाके हो जाएगा कि स्ट्रिंग इज नील, वो हमें वही शो करेगा। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग इज अ नील, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, आपको ये तो पूछेंगे 100% पूछेंगे कि ऑप्शनल वैल्यू क्या होता है, तो हम अच्छे से जवाब देना कि ऑप्शनल वैल्यू का आपको किसी भी डेटा टाइप को, किसी भी चीज़ को अगर आपको नील डिक्लेयर करना है कि उसके लिए हम ऑप्शनल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सेकंड चीज़ है, ये ऑप्शनल ही है पर ये सेकंड चीज़ है, फोर्स अनव्रैप, ठीक है, ये है व्रैपिंग है। अगर ऑप्शनल है तो ऑप्शनल को आपको मिटाना हो तो उसको व्रैपिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको तो अच्छे से करना, 2-3 बार नहीं 10 बार करना। तो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ मेन एस टी आर एक स्ट्रिंग ले देता हूँ, ठीक है।
ये मैंने स्ट्रिंग ले ली, ऑप्शनल स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में अगर मैं अभी मैं प्रिंटिंग करता, पता ही ना कि वो ये मेरी मेन एसटीआर स्ट्रिंग है, वो है नील। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ये नील है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेन एसटीआर इज इक्वल्स टू युक्त कर देता हूँ, क्योंकि ये वेयर है सो ये म्यूटेबल है, तो उसके अंदर मैं वैल्यू को इंसर्ट तो कर ही सकता हूँ, अपेंड तो कर ही सकता हूँ, और उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ कि मेन एसटीआर वन, ये मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है इसलिए ये बोल रहा है कि ये रीडिक्लेयर है, तो मैं वन कर देता हूँ, ठीक है। इसको रन करते हैं तो अभी देखना आउटपुट कैसा आएगा इसका। यू पाना चाहिए, ठीक है, तो वो देखो क्या आएगा कि ऑप्शनल यू, देखा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि स्विफ्ट के लैंग्वेज में क्वेश्चन मार्क को बोलते हैं ऑप्शनल, तो उसने क्या किया कि मैंने मेन एसटीआर वन के अंदर यू लिखा हुआ है, तो उसने क्या किया कि ये क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल है तो ऑप्शनल करके ब्रैकेट के अंदर यू लिख दिया, ठीक है। तो ये एक चीज है, इसको बोलते हैं ऑप्शनल। इसकी वैल्यू नील है, ठीक है, ऑप्शनल अगर आपने ऐसे डिक्लेयर कर दिया तो वो नील हो जाएगा। अगर ऑप्शनल के अंदर आपने किसी वैल्यू को अपेंड कर दिया तो ब्रैकेट के अंदर लेके आगे आपको ऑप्शनल दे देगा, ठीक है। अभी आपको ये ऑप्शनल नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, इस ऑप्शनल को निकालने के लिए एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज़ करते हैं स्विफ्ट के अंदर, इसको बोलते हैं कि फोर्सली अनव्रैप। ये फोर्सली हम अभी ये व्रैप है ऑप्शनल से, तो इसको अनव्रैप करना है तो फोर्सली इसको अनव्रैप करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे ये दो चीज़ें, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये है ऑप्शनल एंड ये है एक्सप्लेनेशन मार्क, इसका अनव्रैप करने के लिए फोर्सली, ठीक है। ये दो चीज़ स्विफ्ट के अंदर आपको स्विफ्ट के अंदर दिखे ही दिखेगी, तो ये याद रखना, ये जो है ऑप्शनल वैल्यू है वो नील होती है एंड उसको ऑप्शनल बोलते हैं, एंड ये जो है एक्सप्लेनेशन मार्क उसको हम अनव्रैप करने के लिए, जो भी ऑप्शनल वैल्यू उसको अनव्रैप करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि इफ़ कि मेन एस टी आर इज नॉट इक्वल्स टू नील, अगर ऐसा है कि वो नील नहीं है तो प्रिंट होना चाहिए मेन एस टी आर वन, सॉरी वन, ठीक है, एंड देन एल्स प्रिंट, अगर ये नील नहीं है तो ये मेन एस टी आर, अगर वो नील हैगी तो इट इज नील, ठीक है। इसको रन करते हैं तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर वैल्यू है तो ये जो भी वैल्यू होगी वो डिक्लेयर होगी, ठीक है। तभी देखो हमको क्या बोलेगी वो कि ऑप्शनल मेन एसटीआर, फिर से वो आ गया क्योंकि उसके अंदर वैल्यू तो है ही, तो ये वैल्यू है तो ऑप्शनल आ गया। अभी इसको ऑप्शनल को निकालना है तो क्या करना होगा, मैंने बोला कि एक्सप्लेनेशन मार्क फॉर अनवर्क फोर्स, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सप्लेनेशन मार्क मैंने यहाँ पे कर दिया, अभी इसको रन करके देखते हैं। तो अभी क्या होगा, ऑप्शनल चला जाएगा, सिर्फ यूपी आएगा, देखना, देखो आ गया हमारा यू, ऑप्शनल चला गया। सेम यहाँ पे अगर आपको ऑप्शनल निकालना है तो प्रिंट के अंदर क्या करना होगा, एक्सप्लेनेशन मार्क को लिखना है, हो गया इतना, रन करते हैं तो ऊपर से भी चला जाएगा। तो ये जो चीज़ हमने ऊपर डिक्लेयर की है तो इसको हम यहाँ पे प्रिंट के अंदर ऐसे डिक्लेयर करके जो भी वेरिएबल के नाम के पीछे ऑप्शनल डिक्लेयर करके ऑप्शनल चीज़ को निकाल सकते हैं। तो ये दो चीज़ याद रखना, फोर्स अनरैपिंग मैंने यहाँ पे किया है एक्सप्लेनेशन मार्क से एंड ऑप्शनल वैल्यू है ये, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर देना क्योंकि पूरे स्विफ्ट में ये दो ही चीज़ आपको दिखेगी, ठीक है। और आप पूरा स्विफ्ट भी पढ़ लोगे ना तो भी पता नहीं चलेगा कि ऑप्शनल एंड एक्सप्लेनेशन मार्क का मीनिंग क्या था। तो इसको यार गाइस बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, मैंने जितना हो सके उतना ईजी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने किया हुआ है। अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एरे को, मैं एक ही वीडियो में सभी कर रहा हूँ तो आपको क्या एक ही बार में अच्छे से हो जाएगा। एरे डिक्लेयर करते हैं पहले, तो अगर आपको एम्प्टी एरे डिक्लेयर करना है उसके लिए क्या करना होगा, वेरिएबल, जैसे हम स्ट्रिंग को करते हैं ऐसे, मैं एरे का नाम दे देता हूँ, माय एरे इज इक्वल्स टू, उसकी टाइप कौन सी है तो वो है स्ट्रिंग है और इसको एलोक इनिट बोलते हैं, मीनिंग इसका है एलोक एंड इनिट, जैसे हम करते थे ना एन एस एरे एलोक इनिट,
वो करते थे ना वही है, तो ये आप कर दिया, इतना कर दिया तो वो एलोक इनिट हो गया। हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एन एस एरे एलोक इनिश, ऐसा नहीं लिखना है, बस इतना कर दो वो इन हो गया। तो इसको बोलते हैं एम्प्टी एरे, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, प्रिंट करके देख लेते हैं कि है कि नहीं है। ओके, यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने ये एरे डिक्लेयर किया इसलिए। तो अभी इसके अंदर कुछ डाल देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माय वेट, कैसा हो रहा है ये। ओके ओके ओके, इसको यहाँ पे डालना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो मेरा माय एरे है, ठीक है, तो ये माय एरे स्ट्रिंग के फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दिया है इसलिए स्ट्रिंग के फॉर्मेट ही होगा वो, ठीक है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही मुझे सभी वैल्यूज डालनी होगी, ठीक है। ये अब आप यहाँ पे भी करोगे तो भी चलेगा, पर मैं तो बोलता हूँ ये प्लेग्राउंड में भी ये सभी प्रैक्टिस प्लेग्राउंड में ही करना, ठीक है, क्योंकि मेरा प्लेग्राउंड स्लो है इसलिए मैं वहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि वाई वाई पी पी ए ए सी सी, ऐसे कोई भी स्ट्रिंग में डाल दो, उसके बाद प्रिंट करो जो भी आपका एरे का नाम जो भी आपने दिया वो, ठीक है। रन करो और देखो कि हमारे एरे के अंदर सभी वैल्यूज है वो आ गई, क्योंकि हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट दी थी इसलिए डबल कोटेशन में लिख देना। तो इसको सिंपली एरे हम कैसे ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे देखो हमारा एरे यहाँ पे आ गया। अगर शायद अगर मैं यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दी है और मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू कर दूंगा ऐसे, ठीक है, अगर मैंने ऐसे इंटीजर वैल्यू दे दी तो क्या होगा, मस्त एरे शो करेगी कि कैन नॉट कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर टू एक्सपेक्टेड एलिमेंट टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया है स्ट्रिंग तो आप एलिमेंट टाइप इंटीजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये एरे मुझे यहाँ पे एरर दे देगी। अगर यहाँ पे मैं अगर मैं इंटीजर कर दूंगा ना तो कोई इशू नहीं होगा, ये इंटीजर ही वैल्यू, अगर मैं एरे मेरा इंटीजर है तो वो अच्छा से रन हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी जो भी हमारी इंटीजर वैल्यूज है एरे के अंदर वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2, तो आपको क्या करना है कि आपको डालना है तो वो म्यूटेबल ही लेना होगा, तो वेरिएबल ले लो म्यूटेबल, उसके बाद एरे का नाम, देन इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर जो भी टाइप है, जैसे कि इंटीजर फ्लोट या स्ट्रिंग है, तो टाइप का नाम एंड देन एलोक इनिट कर देना, ये याद से करना, ठीक है, एलोक इनिट। उसके बाद माय एरे इज इक्वल्स टू इंटीजर की वैल्यूज डाल दो, प्रिंट करके देख लो कि मेरी जो भी वैल्यूज है वो आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। इसको हम सिंपली ऐसे हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी प्रिंट भी हमने किया, तो अभी एक और बार मैं यहाँ पे वर्किंग बना देता हूँ स्ट्रिंग का, कि हम दो तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, वो दोनों में बता देता हूँ कि अपेंड कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट एस वन इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं काम करते हैं एज ले लेते हैं और उसकी वैल्यू मैं 25 ले लेता हूँ, ठीक है। एंड नेम ले लेते हैं क्योंकि इसको मैं चेंज नहीं करने वाला इसलिए मैंने लेट ले लिया, ठीक है, योगेश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ एस वन इज इक्वल्स टू नेम, जो मेरा नेम है वो, प्लस इज प्लस स्ट्रिंग, उसके बाद एज, ठीक है, एंड देन प्रिंट एस वन। इसको रन करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये मैंने क्या किया। यहाँ पे है नेम मेरा है योगेश, तो योगेश इज 22, ठीक है, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग में चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे एज मेरी इंटीजर में थी तो इसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, तो क्या होता, देखो एरर होती, बाइनरी ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड टू टाइप स्ट्रिंग एंड इंटीजर,
ठीक है, ये चीज़, ये क्योंकि मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, तो यहाँ पे देखो नेम मेरा स्ट्रिंग है, इज मेरा स्ट्रिंग है, एंड देन एज है वो इंटीजर है, तो इसको मैं एज को मैं स्ट्रिंग में ले लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लिखो स्ट्रिंग ब्रैकेट के अंदर एज, हो गया, जो भी एज जो है वो लिख दिया। तो उसको रन करोगे तो क्या होगा कि ये जो एज मेरे इंटीजर की थी उसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये याद रखना, योगेश इज 22, ठीक है। तो इंटीजर टू स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि अगर हमको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, और हम कैसे प्रिंट करते थे, ये एक चीज़ है कि प्लस करके भी आप कर सकते हो, पर हम करते थे ये वही मेथड यूज़ करते हैं कि जैसे स्लैश करके यहाँ पे लिख देते थे नेम इज स्लैश str जो हमारा स्ट्रिंग है वो, देन ब्रैकेट के अंदर एज, देन प्रिंट s2 रन, तो आ जाएगा नेम इज 22। हम ये मेथड का मैंने ऊपर भी मैंने यही मेथड से मैंने प्रिंट किया था। तो ऐसे भी आप प्रिंट कर सकते हो, ये प्लस करके भी प्रिंट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। अब ये दो तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। एंड मैंने ये क्यों लिखा कि इंटीजर वैल्यू जो होगी आपकी उसको अगर आपको स्ट्रिंग में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कि इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बोल दिया आपको। अभी इसके बाद एरे को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया, ठीक है। अभी हम एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, ये तो मैंने एम्प्टी एरे लेके उसके बाद एरे के अंदर मैंने डाल दिया। अगर आपको इनिशियलाइज करना है एरे को तो आप कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इनिशियलाइज एंड एरे, तो देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट स्टार्स, उसके बाद उसकी फॉर्मेट है स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू। अगर आपने डायरेक्ट इनिशियलाइज करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एम्प्टी लिया उसके बाद लिखा, ऐसा नहीं करना, तो क्या करना है, जो भी नाम है वो, उसके बाद उसका टाइप, एंड देन यहाँ पे लिख दो जो भी एरे है वो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है, तो आप प्रिंट कर दो डायरेक्टली। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है, इनिशियलाइज करके कर देना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। एंड ये जो है वो एम्प्टी एरे, जैसे कि ऊपर मैंने एरे को डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पर आपको ऑन द स्पॉट ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया, मीन्स के मेथड के अंदर डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद वहाँ पे एरे चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब सभी हमारा एरे आ गया, और उसकी टाइप जो है वो दे दो, वो मैंने ऊपर यहाँ पे मैं इंटीजर किया है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग किया है। तो ये दो चीज़ें ऐसे भी कर सकते हो एम्प्टी एरे डिक्लेयर करके, और ऐसे भी कर सकते हो इनिशियलाइज करके। देखो यहाँ पे मैंने एलोक इनिट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इनिशियलाइज तो कर दिया है, तो एलोक इनिट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये पीछे से मैंने किया था, इसलिए यहाँ पे एलोक इनिट किया था। तो ये याद रखना, प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है गाइस। तो अभी क्या करते हैं, अभी लेते हैं डिक्शनरी लेना है, एक काम करते हैं, ओके चलो अभी मैं प्रिंट करता हूँ यही एरे के अंदर, थोड़ा बता देता हूँ मैं, स्टार्स 1 अभी प्रिंट करते हैं। अगर मुझे ये यो वाली वैल्यू चाहिए, कभी कभी होता है कि सभी एरे की ज़रूरत नहीं है, एरे के अंदर की इंडेक्स की जो भी वैल्यू है वही वैल्यू हमको चाहिए, तो ये अगर मैं 1 करूँगा तो ये यो प्रिंट हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे यो प्रिंट हो गया, ये याद रखना कि एरे की इंडेक्स की वैल्यू होगी 0, 1, 2, ठीक है। अगर आपको 0 चाहिए, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ 0, देन रन, तो यहाँ पे हो जाएगा यू प्रिंट हो जाए, प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। एरे की इंडेक्स वैल्यू से भी आप इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हो, तो ये भी याद रखना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे यू प्रिंट होके आ जाएगा, हो गया। अभी यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया, एरे ले लिया, डिक्लेरेशन सभी कर दिया, अभी जाते हैं डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी, ठीक है। तो पहले तो डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं, तो लेट इज इक्वल्स टू, अभी डिक्शनरी के अंदर होगी
वो तो पता ही होगा ना कि की होगी एंड वैल्यू होगा, वो तो हम ऑब्जेक्टिव सी में जैसे डिक्लेयर करते थे वैसे ही डिक्लेयर करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कि योगेश, और मेरी एज है 22, तो मैं 22 लिख देता हूँ उसके यहाँ पे। उसके बाद कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि डाबी, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 22। तो यहाँ पे मैंने दो डिक्शनरी मैंने यहाँ पे दे दी। ठीक है, तो अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि एजिस, ठीक है, जो मेरा एज है वो, तो वो है स्ट्रिंग एंड इंटीजर की फॉर्मेट में, मेरा स्ट्रिंग एंड इंटीजर की फॉर्मेट में। तो अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो भी वैल्यू योगेश की है वो मुझे प्रिंट करके दो। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि वो क्या प्रिंट होगा। एक्सप्रेशन इम्प्लिसिटली फ्रॉम ऑपरेटर, यहाँ पे देखो ऑप्शनल वैल्यू डायरेक्टली वो ले लेगा, तो यहाँ पे ऑप्शनल वैल्यू आ गई कि ठीक है। तो इसको अनवर्प कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क कर दो, तो ये ऑप्शनल है वो चला जाएगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली हमने प्रिंट करा दिया ना इंटीजर की वैल्यू को, तो वो ऐसा बोल रहा है कि ये ऑप्शनल वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम अनवर्प कर देते हैं उसको, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरी जो भी एज है वो है 22, तो यहाँ पे 22 आ गया। तो ये भी बहुत समझ से करना कि कहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे ऑप्शनल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिक्शनरी कि हम डिक्शनरी को कैसे यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं। और वो अगर इफ के अंदर कि लेट एरे एजिस इज इक्वल्स टू एजिस, जो हमारा एजिस है वो, उसके बाद मैं ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देता हूँ कि डाबी। ठीक है, देन प्रिंट करना है कि डाबी इज, उसके बाद जो भी नेम है वो लिखने के लिए कि एरे एजिस ईयर ओल्ड, इसको रन करता हूँ, उसके बाद जो आउटपुट आते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि डाबी इज 22 ईयर्स ओल्ड, डाबी इज 22 ईयर्स ओल्ड। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये जो मेरी डिक्शनरी थी एजिस थी, ठीक है, तो उसको मैंने एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक और वेरिएबल बना दिया इफ के अंदर एरे एजिस, उसके अंदर मैंने किया कि अगर एरे एजिस के अंदर जो मेरी एजिस है उसके अंदर जो डाबी है, ठीक है, अगर वो होगा तो प्रिंट होगा कि ये डाबी इज एरे एजिस यस ओल्ड, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एजिस के अंदर की जो भी वैल्यू है की एंड वैल्यू वो सभी मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो अगर आपको ऐसा भी कर सकते हो आप, ये बहुत ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, कि इफ़ के अंदर आपको वेरिएबल लेना है उसके अंदर जो भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग स्टोर करके भी आप प्रिंट कर सकते हो, तो ये भी एक चीज़ है, तो इसको भी याद रखना, इसका कंसेप्ट भी अच्छा है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल बना दो, जो भी चीज़ है उसको स्टोर कर दो, एंड जो भी वेरिएबल आपने नया बनाया ये सभी वैल्यू स्टोर किया उसको यहाँ पर प्रिंट कर दो। तो ये डिक्शनरी है कि हम ऐसे डिक्शनरी को प्रिंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेट, तो सेट क्या है कि सेट इज़ सिमिलर टू एरे, ठीक है, उसके अनदर हम यूनिक वैल्यू को अनऑर्डर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है, यूनिक वैल्यूज़ और उसको। एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि वेरिएबल कलर्स, एंड यहाँ पे लिखना है सेट, एंड देन उसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं, जैसे कि ब्लू कॉमा वेट कॉमा ऑरेंज कॉमा फिर से ब्लू। ठीक है, उसके बाद पहले तो प्रिंट मैं कर देता हूँ कलर को, जो भी कलर है उन सबको। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं। ये सेट का यूज़ हम ऐसा कर सकते हैं, पर वो एरे और एरे जैसा ही है सिमिलर, ठीक है, पर ये सेट का यूज़ कर सकते हैं हम, अच्छा है वो भी, कभी कभी सेट का यूज़ करना पड़ता है। देखो यहाँ पे एरे की तरह ही वो शो हो गया। इसमें एक चीज़ है, एरे के अंदर हमको सभी चीज़ दिखाते हैं, पर ब्लू के अंदर जो भी सेट होगी, जैसे कि ब्लू है, जैसे कि रेड ऑरेंज ब्लू सेट वैल्यू में आ जाएगी, जैसे कि ए बी सी डी के फॉर्मेट में लेगी,
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऑर्डर के अंदर आ जाएगी ठीक है। अगर वहाँ पे आपने दो बार मैंने यहाँ पे ब्लू ब्लू लिखा हुआ है ना, तो एक ही ब्लू लेगा वो ठीक है। तो ये एक चीज़ है सेट के अंदर कि अ स्विफ्ट थ्री इज अ सेट इज अ सिमिलर टू एन एरे एक्सेप्ट द वैल्यूज इन अ सेट आर यूनिक एंड अनऑर्डर ठीक है। ये उसका मीनिंग है सेट की, ये डेफिनेशन है। अभी हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे कलर्स जो है सेट के अंदर, COLORS क्या हुआ ये, कलर्स डॉट इंसर्ट ठीक है। अभी इसके अंदर मैं इंसर्ट करता हूँ स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ ब्लैक को ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो कलर्स हैं उसके अंदर ब्लैक इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको चेक करते हैं कि ये जो ब्लैक है वो इसके अंदर इंसर्ट हो गया कि नहीं हुआ। देखो ब्लैक ऑरेंज ब्लू एंड रेड, तो ब्लैक फर्स्ट में आ गया, वो मैंने इंसर्ट कर दिया। तो आप जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको इंसर्ट कर सकते हो। अगर ये रेड है उसको रिमूव करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा कि कलर्स डॉट रिमूव प्रॉपर्टी डॉट करके यहाँ पे लिखना ठीक है। स्ट्रिंग है तो कौन सा नाम है रेड, उसको रन करो। ब्लैक इंसर्ट हो गया होगा और रेड रिमूव हो गया होगा। तो ये सेट एरे के जैसे है, जैसे एरे के अंदर आप अपेंड भी कर सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं ठीक है। एरे सिमिलर टू एरे, तो देखो यहाँ पे ब्लैक ऑरेंज एंड ब्लू, रेड रिमूव हो गया ठीक है। उसके बाद अगर इसके अंदर वैल्यू को आपको चेक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करके मैं करता हूँ कि कलर्स डॉट कंटेंट्स प्रॉपर्टी है कंटेंट्स ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ब्लैक और इसको रन करता हूँ। अभी देखना कि आउटपुट क्या आएगा। कलर्स के अंदर जो ब्लैक है ठीक है, ये जो मैंने अपेंड यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया है वो है, तो वो हमें फॉल्स देगा कि ब्लैक नहीं है ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं रेड करूँगा तो क्या आता है, फॉल्स ओके, क्योंकि उसको मैंने रिमूव कर दिया था इसलिए। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कलर्स डॉट कंटेंट्स ऑरेंज, अभी देखते हैं, अभी तो ट्रू आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कलर जो है उसके अंदर कंटेंट ऑरेंज है। ठीक है ट्रू आया, हाँ क्योंकि ब्लैक का बी स्मॉल में है यार, मैंने कैपिटल में लिखा BLACK। इसको रन करते हैं, मैंने बोला फॉल्स क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको इंसर्ट तो यहाँ पे किया ही था, तो आई जाना चाहिए ना ट्रू। तो ये कंटेन हमें फॉल्स और ट्रू देता है कि अगर आपके सेट के अंदर वैल्यू है कि नहीं है ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों ट्रू आ गया, तो मैंने रेड को रिमूव कर दिया था, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा कि रेड ठीक है ओके आर कैपिटल में, तो ये भी ध्यान रखना ये भी एरर देता है, कैपिटल है तो कैपिटल में लिखना, स्मॉल है तो स्मॉल में देगा। तो कंटेन वैल्यू हमें रिटर्न करेगा कि फॉल्स है या ट्रू है ठीक है, फॉल्स और ट्रू। देखो यहाँ पे फॉल्स हो गया क्योंकि रेड की वैल्यू मैंने रिमूव कर दी थी इसलिए उसके अंदर नहीं है, तो उसने चेक किया कि रेड है नहीं है, तो उसने बोल दिया कि फॉल्स। अगर ऑरेंज है या ऑरेंज है तो उसने बोल दिया ट्रू। तो ये सेट है सिमिलर टू एरे गाइस ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एरे के जैसा ही है। पर ये टॉपिक मैंने बोला कि करा देता हूँ क्योंकि स्विफ्ट में सेट की अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इसलिए ठीक है। और अभी टपल्स का यूज़ क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टपल्स के लिए। देखो टपल्स आर नॉट अ टेक्निकल कलेक्शन बट इंस्टेंट सिमिलर मल्टीपल वेरिएबल दैट कैन बी पास अराउंड विथ सिंगल आइडेंटिफायर, जैसे कि लेट फुल नेम इज इक्वल्स टू यहाँ पे सिंगल, देखो मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे है कि जेमसन एंड क्यू,
तो ये मल्टीपल वेरिएबल आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो टपल्स के अंदर, ठीक है। देखो द टाइप ऑफ द टपल हियर इज अ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ठीक है। एंड वी कैन मैन्युअली एक्सेस ईच नंबर टपल्स एलिमेंट यूजिंग डॉट सिंटेक्स, जैसे कि ये प्रिंट फुल नेम डॉट वन, तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा एंड फुल नेम डॉट जीरो में ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसको करते हैं एक बार, क्योंकि थियोरिटिकल भी आपको समझ में आना चाहिए कि टपल्स क्या है, इसलिए मैंने वो वहाँ पे लिख भी दिया था और उसको सिंटेक्स भी लिख दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेट फुल नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ योगेश एंड यहाँ पे लिख देता हूँ पटेल, एंड देन प्रिंट फुल नेम, ठीक है, फुल नेम डॉट वन, रन करते हैं और देखते हैं। ये दोनों की फॉर्मेट है स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है, वो मैंने वहाँ पे लिखा ही था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट होगा, आपको पता है इंडेक्स वैल्यू जीरो एंड वन, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा पटेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पटेल प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो ये है टपल्स की मल्टीपल वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया, दोनों स्ट्रिंग है एंड आप इसको इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। अभी देखो टपल कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रक्टेड इन टू न्यू वेरिएबल नेम्स, जैसे कि फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये मेरा फर्स्ट होगा जेम्सन एंड लास्ट होगा ये, इसको भी प्रिंट करके देखेंगे। सिंस वी आर नॉट यूजिंग द लास्ट नेम हियर, वी कुड जस्ट इग्नोर दैट वैल्यू बाई यूजिंग अंडरस्कोर एंड स्टिल डिस्ट्रक्ट द फर्स्ट नेम। अगर आपको वैल्यू नहीं लेना है यहाँ पे, तो आप अंडरस्कोर करके भी उसको इग्नोर कर सकते हो एंड फर्स्ट टाइम तो वर्क होगा ही, ठीक है। तो ये दोनों अभी चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट फर्स्ट कॉमा लास्ट इज इक्वल्स टू यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं आशीष कॉमा पटेल, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, यहाँ पे ऐसे करते हैं आशीष को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। इसको रन करते हैं, आप एक वैल्यू एक वेरिएबल ऐसे डिफाइन करके भी इंडेक्स वैल्यू से भी गेट कर सकते हो एंड ऐसे भी दो वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आशीष प्रिंट होके आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो आशीष प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो ये टपल्स है। अगर यहाँ पे मैं लूँगा कि लेट एफ वन कॉमा अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू एस कॉमा, ठीक है, अगर प्रिंट में एफ वन कर दूँगा तो वो एस प्रिंट हो जाएगा। और इस चीज़ को बोलते हैं कि इग्नोर कैसे कर सकते हैं हम वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नोर भी हम कर सकते हैं, सिंपल भी ऐसे सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। देखो एस आ गया, तो यहाँ पे अच्छे से मैंने डिफाइन किया है कि आप इंस्टेंट सिंपली मल्टीपल वेरिएबल दैट कैन बी पास अराउंड सिंगल आइडेंटिफायर। सिंगल आइडेंटिफायर में मल्टीपल वेरिएबल पास कर सकते हो, दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में एंड इंडेक्स वैल्यू से आप उसको गेट कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज़, आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हो न्यू वेरिएबल नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट किया है। तो आप ऐसे भी देखो यहाँ पे अगर चार पांच हो गए तो आप कॉमा कॉमा करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है टपल्स, ठीक है गाइस। और अगर इग्नोर करना हो तो अंडरस्कोर का यूज़ करना है। तो ये टपल्स है। उसके बाद अभी लेते हैं कंट्रोलर्स, जो भी कंट्रोलर्स है वो यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल फ्लो। पहले तो ले लेते हैं इफ 10 इज ग्रेटर देन 5 देन प्रिंट 10 बड़ा है, तो ऑफ कोर्स बड़ा ही है, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। एंड एल्स प्रिंट 10 इज नॉट ग्रेटर देन
फाइन प्रिंट करते हैं, तो 10 इज ग्रेटर देन 5 वो प्रिंट होके आना चाहिए, तो देख लेते हैं। तो ये सिंपल इफ एल्स है स्विफ्ट के अंदर, 10 इज ग्रेटर देन 5। ऑब्जेक्ट इसी के अंदर हम ब्रैकेट करते थे, तो अगर आप ब्रैकेट भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, इसको रन करके देख लेते हैं। ब्रैकेट नहीं भी करोगे तो भी वो एरर नहीं देगा, ठीक है। तो ये स्विफ्ट के अंदर देखो सेमी कॉलन नहीं है, ब्रैकेट नहीं करोगे तो चलेगा, तो ये सभी चीज़ है इसकी वजह से स्विफ्ट इजी हो गई है, सिंपल हो गई है, उसका कोडिंग बहुत कम हो गया ऑब्जेक्टिव सी के बराबर। देखो 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और उसके बाद अभी यहाँ पे लेते हैं स्विच स्टेटमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि स्विच, तो स्विच स्टेटमेंट जैसे लिखते थे वैसे, जैसे कि यहाँ पे नेम 1 इज इक्वल्स टू लिख देते हैं योगेश, कैपिटल का ध्यान रखना, ठीक है, वाई कैपिटल है। उसके बाद स्विच जो लिखते थे वैसे स्विच स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा नेम, नेम 1 जो भी प्रॉपर्टी का नाम है वो। उसके बाद केस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आशीष लिख देता हूँ, ASHISH, अगर वो है तो प्रिंट क्या होना चाहिए कि नेम इज आशीष। और दूसरा केस ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ योगेश, उसका वाई कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर देता हूँ कि नेम इज योगेश, ठीक है। एंड देन डिफॉल्ट के अंदर प्रिंट करता हूँ कि आई डोंट नो ऑफ दिस पर्सन, तो आई डोंट नो ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। तो रन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे नेम 1 के अंदर है योगेश है, एक्सपेक्टेड आफ्टर दिस, ओके यहाँ पे मैं भूल गया, ओके रन करते हैं। तो यहाँ पे योगेश है, तो यहाँ पे चेक होगा केस के अंदर, तो यहाँ पे होगा कि नेम इज़ योगेश, ठीक है। तो देख लेते एक बार, तो यहाँ पे आ गया नेम इज़ योगेश। अगर यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो वो चला जाएगा डिफ़ॉल्ट के अंदर कि आई डोंट नो ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, आई डोंट नो ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। तो ये स्विच स्टेटमेंट है, सिंपल है, इफ एंड स्विच में बहुत डिफरेंस नहीं है, वही है, कुछ भी चीज़ अलग नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे ले लेते हैं लूप्स एंड कलेक्शन, अभी कंप्लीट ही हो रहा है, ठीक है, देख लेना अच्छे से, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे लेट नेम्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एरे ले लेते हैं, कुछ भी ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अभी qw कॉमा zx कॉमा wwe, अरे यार ओके। अभी फॉर लूप लेता हूँ ध्यान से कि नेम इन नेम्स, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल लिया नेम करके, उसके अंदर ये सभी नेम्स जो भी है वो, ठीक है। अभी वो मत याद रखना आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू दिस एंड आई प्लस प्लस, ये अभी चला गया, ठीक है। स्विफ्ट के अंदर ऐसा लिखना होगा नेम इन नेम्स। तो मैं प्रिंट करता हूँ कि नेम स्लैश कॉमा नेम, ठीक है। रन करते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है। लॉजिक से ही समझना, ठीक है, उसको रट्टा मत मारना। तो यहाँ पे देखो नेम ASAS QWQW ZXZX WWE, तो एक सिंपल वर्ड में देता हूँ कि सिंपल वर्ड में बोलता हूँ कि ये जो नेम्स है वो हमारा क्या है, ये है। उसके अंदर चार वैल्यू है, फोर वैल्यूज है,
और ये सभी वैल्यू जे जो भी एरे है उसको मैंने नेम के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे नेम को प्रिंट किया तो वो क्या होगा, फॉर लूप में जाएगा, पहले एस जाएगा, एस जाएगा नेम, एस एस, उसके बाद कंप्लीट, उसके बाद फिर से जाएगा, कब तक जाएगा, 4 तक जाएगा, तो उसने क्या प्रिंट किया, पहले गया एस तो नेम एस एस, फिर जाएगा क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू, वो प्रिंट होगा, उसके बाद जेड एक्स वो प्रिंट होगा, तो देखो नेम। ठीक है, तो अभी मैंने प्रिंट करने के लिए नेम्स का यूज़ नहीं किया, मैंने क्या यूज़ किया, नेम, क्योंकि ये जो भी नेम्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है वो सभी प्रॉपर्टी हमने नेम को असाइन कर दी, ऐसे याद रखो चलेगा। ठीक है, नेम को हमने असाइन कर दिया नेम्स की प्रॉपर्टी, और अभी मैं नेम को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये सभी एक से एक के बाद एक प्रिंट हो जाएगा। तो ये फॉर लूप, अभी ये फॉर नहीं है गाइस, इसको बोलते हैं फॉर इन लूप, सॉरी है फॉर इन लूप, स्विफ्ट के अंदर फॉर इन लूप आ गया, फॉर नहीं है, फॉर का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे है फॉर इन लूप, देखो फॉर इन लूप। ठीक है, जो कुछ भी नाम दे दो, जो भी नेम है वो दे दो, उसके बाद एरे दे दो, और आप जैसे भी आपको प्रिंट करना है वैसे आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फोर के लिए तो मैंने एग्जांपल लेने ही वाला हूँ मैं, कि आई इन 1 अप टू 10। अभी ये क्या है, जैसे हम लिखते थे कि आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड आई लेस देन इज इक्वल्स टू 10 एंड आई प्लस प्लस, तो यही है, आई की वैल्यू जो आई वो है। ठीक है, उसके बाद आई इज इक्वल्स टू 1 हो गया, एंड 1 अप टू 10 तक, लेस देन ग्रेटर देन ऐसा मत लिखना, ऐसा ही अप टू 10 तक ऐसा लिखना। ठीक है, अगर आपको पीछे जाना है तो 10 अप टू 1 कर देना, 10 अप टू 1, तो ये ऐसी सिंटेक्स है इसकी फॉरिन की। ठीक है, स्विफ्ट के अंदर, तो ये याद रखना, अगर कंफ्यूजन हो जाए कि नहीं मेरे को ये यूज़ नहीं करना, मेरे को तो आई इज इक्वल टू 0 आई प्लस प्लस ऐसा करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आई प्लस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से लेकर 10 तक वो जाएगा, आई की वैल्यू 1 से चालू होगी, अगर 0 से करनी हो तो यहाँ पे 0 कर देना। ठीक है, अच्छे से याद रखना, अच्छे से इंप्लीमेंट करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि इफ़ आई की वैल्यू %3 इज इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट आई, रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है इसका। ठीक है, तो अभी पता ही है क्या आउटपुट आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा एंड 9 आएगा, 3, 6 एंड 9, 1 इज इक्वल टू 0, नहीं 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0, यस, तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 4, 5 नहीं होगा, 6 डिवाइड बाई 3, ओके हो जाएगा, 3, 2, 6 वो 0 हो जाएगा, 9 भी होगा, 3 इंटू 3, 9 तो 0 हो जाएगा, तो 3, 6, 9 आई की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। तो ये सिमिलर टू फॉर लूप जो हम सी में करते थे, जो हम ऑब्जेक्टिव सी में करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं करना है, डॉट डॉट का मीनिंग है प्लस हो जाएगा, आई जो इनिशियलाइज कर दिया, एंड आपकी वैल्यू जो भी चाहिए, आई लेस देन 10 तो ग्रेटर देन 10, जो भी चाहिए 10 से 1, 1 से 10 ऐसे आप कर सकते हो, तो ये है फॉर लूप। ठीक है, अभी यहाँ पे by 3 का मीनिंग क्या होता है मैं वो बताता हूँ, str write, ये फॉर स्विफ्ट के अंदर है, अच्छा है, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि लेट, मैं कर देता हूँ कि 3 कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू str write। ठीक है, ये देखो str write from 2 by। ठीक है, और इसके अंदर देखो from through by, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि from to by, ये ना बहुत अच्छा है यार, मेरे को भी जब मैंने पहले देखा था तो मैं भी खुश हो गया था, from to by, तो from 3 से लेके 10 तक एंड divide by 3। ठीक है, उसके बाद for n in 3 एंड प्रिंट एन, देखो इसको रन करो, आउटपुट 369 ही आएगा, पर इसमें थोड़ा मज़ा आएगा, फेल्ड हो गया, ओके यहाँ पे ब्रैकेट मैंने एक ज़्यादा कर दिया। ठीक है, अभी देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया, ये और इसके अंदर
क्या डिफरेंस है मैं वो बताता हूँ आपको। तो 369 आ गया, ठीक है। ये ऊपर वाला 369 है, ये नीचे वाला 369 है। इसका मीनिंग क्या है कि तीन, फ्रॉम कितने, तीन से लेके कितने तक चाहिए, 10 तक, कि तीन से 10 तक जो भी वैल्यूज है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसको डिवाइड करो 3 से, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया। तो ये जो भी उसकी वैल्यू होगी वो स्टोर होगी 3 के अंदर। तो मैंने क्या किया, फॉर एन इन 3, तो अभी 3 के अंदर जो भी वैल्यूज है वो मैंने एन के अंदर डाल दी और एन को प्रिंट कर दिया, तो ये मुझे प्रिंट होके आ गया। तो ये STRIDE, इसको याद रखना, कभी भी ये फॉर लूप नहीं लगा देना। अगर ये अच्छा फंक्शन है तो यार फॉर लूप की क्या ज़रूरत है, बस इतना ही तो करना है, जितने भी मल्टीपल वैल्यू होगी उसको फॉर के अंदर डाल दो, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था स्विफ्ट के अंदर, तो ये मस्त है। एक और चीज़ है, उसको बोलते हैं इंडिसिस, ठीक है, ये भी मस्त है, इंडिसिस। अभी ये क्या है, ये मैंने बहुत ट्यूटोरियल देखे मैंने बेसिक स्विफ्ट के, बहुत सारी जगह पे ये सभी चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं किया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि नेम टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू, ASAS, ZXZX, WWE, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फॉर नेम इंडेक्स इन नेम टू, जो मेरा ये है वो नेम टू, ठीक है, ये डॉट लिखो इंडिसेस, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इंडिसेस। अभी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि इफ नेम इंडेक्स लेस देन 3, देन प्रिंट नेम टू नेम इंडेक्स, रन करते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कि मैंने यह क्या किया, ठीक है। क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू, ASAS एंड ZXZX, डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं आया, क्यों नहीं आया वो मैं बताता हूँ। नेम टू के अंदर मैंने चार वैल्यू डाल दी हुई है, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, वन से स्टार्ट करेगा, जैसे कि नेम इंडेक्स की वैल्यू आएगी वन, ओके, इससे कम की जो भी वैल्यूज होगी वो लेगा, जैसे कि 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 1, 2 तक लेगा, 3 नहीं लेगा क्योंकि मैंने इक्वल टू नहीं दिया है, ठीक है। तो 3 तक, जैसे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 तो नहीं आएगा, तो उसकी जो भी वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी। तो ये इंडिसेस का मतलब क्या है कि नेम टू के अंदर की जो भी वैल्यूज़ है इंडिसेस, उसको मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया, एंड देन इसके अंदर मैंने कंडीशन दे दी कि तीन से जो भी कम होगी इंडेक्स की वैल्यू वो यहाँ पे प्रिंट करना है। तो ये इंडिसेस से भी आप कर सकते हो, एरे के अंदर भी आप कर सकते हो, ठीक है, पर ये इंडिसेस भी है जिससे आप कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है कि आप, अगर मेरे पास 12 जैसे वैल्यूज़ हैं तो मैं नेम इंडिसेस करके 2-3 कंडीशन मार दूंगा, उसके बाद नेम इंडेक्स के नेम टू जो ये है उसके अंदर नेम इंडेक्स ऐसे लिख देना ब्रैकेट में, तो आप सभी वैल्यू को ऐसे प्रिंट कर सकते हो, वो एरे आपको नहीं देता है, ठीक है। तो ये इंडिसेस है कि आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट टॉपिक फॉर बेसिक वो है इन्यूमरेटेड, ENUMERA, इन्यूमरेटेड, ठीक है। ये भी बहुत मस्त है कि लेट नेम 3 इज इक्वल्स टू, मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, QWQW ASAS वाला स्पेस एंड देन कॉपी। तो यहाँ पे फॉर इंडेक्स कॉमा, जो भी नाम देना है आपको वो मैंने यहाँ पे नेम दे देता हूँ मैं, ठीक है, इन नेम 3, जो मेरा वेरिएबल है स्ट्रिंग का वो नेम 3 डॉट लिखना इन्यूमरेटेड, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया इन्यूमरेटेड, उसके बाद ब्रैकेट कर दो एंड यहाँ पे लिखो कि प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, स्लैश करके ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स, देन स्लैश करके
नेम, ठीक है। रन करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो प्रिंट होगी पर इंडेक्स की वैल्यू भी साथ में प्रिंट होगी, वो देखते हैं कि कैसे। 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये आपको नहीं पता चला हो कि ये 3 क्यों लिया, तो देखो 3 तो नहीं लगा, वो 0, 1, 2 जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि 3 मैंने इक्वल टू नहीं दिया, मैंने लेस देन दिया, तो 3 से कम की वैल्यू प्रिंट हो गई थी ऊपर, ठीक है। इसलिए अभी ये इन्यूमरेटेड, अगर आपको इंडेक्स की वैल्यू आपको प्रिंट चाहिए तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। सी में उसमें हम करते थे कि इंडेक्स वैल्यू भी साथ में प्रिंट होनी चाहिए, जो भी एरे के अंदर जो भी वैल्यूज है उसके साथ, तो आप ऐसे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन किया है इसलिए सेमी कॉलन आ रहा है, ठीक है। तो आप कर सकते हो 0, 1, 2, 3 इन्यूमरेटेड का यूज़ करके। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने स्ट्रिंग, उसके बाद म्यूटेबल है, इम्यूटेबल क्या है वो, ऑप्शनल वैल्यू क्या है वो, एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, कंपेयर स्ट्रिंग क्या है, प्रिंट कैसे कर सकते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हो, अनवरप कैसे कर सकते हो, एरे कैसे एम्प्टी डिक्लेयर कर सकते हो, फिर स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे दो बार, स्ट्रिंग को कैसे अलग अलग टाइप में प्रिंट कर सकते हो, एरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो, डिक्शनरी, सेट, टपल्स, इफ एल्स, स्विच कंडीशन, फॉर लूप एंड इन्यूमरेटेड, इंडिसेस एंड एसटीआर राइट, सभी चीज़ मैंने यहाँ पे बताई। इतना कर दोगे तो आप अच्छे से स्विफ्ट में आ जाएगा, आपको अच्छे से पकड़ आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत मैंने एफर्ट करके मैंने ये वीडियो बनाया गाइस, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, एंड थोड़ा बोर लगे पर करते रहना, अच्छे से स्विफ्ट में भी पकड़ बना दो। ऑब्जेक्टिव सी तो हो गया, मैंने जितने वीडियो दिए वो इनफ वीडियो है, ठीक है। अभी स्विफ्ट में ट्राई करो, स्विफ्ट में प्रैक्टिस करो, कोड करो। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी सजेशन है, कुछ भी आपको कुछ अच्छा ना लगा हो कि यार ऑब्जेक्टिव सी पर, ऐसा टेंशन मत लो यार, मैं अपलोड करता रहूँगा, पर ये स्विफ्ट भी आप स्टार्ट कर दो। मैं वही चाहता हूँ कि आप स्विफ्ट भी स्टार्ट कर दो, ठीक है, साथ में, तो कंपनी में जॉब भी अच्छे से लग जाएगी, आपको स्विफ्ट भी क्या है वो भी पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि 40 वीडियो यार अच्छे है, ठीक है, इतने तो बहुत हो गए, और मैं बीच में डालता रहूँगा जो भी मुझे रिक्वेस्ट है, मुझे पता है कि प्रॉपर्टीज़ की है, लाइफ साइकिल की है, फिर साइड बार की है, वो सभी ऑब्जेक्टिव सी में मैं डालूंगा वीडियो, उसका भी टेंशन मत लो। पर अभी स्विफ्ट चालू कर दो, स्विफ्ट में अच्छे से पकड़ बना दो, जो भी बेसिक है पूरा कर दो, अच्छे से मस्त प्रैक्टिस मार दो, ठीक है। प्लेग्राउंड के अंदर भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज़, कुछ भी क्वेरी लगे, अगर स्ट्रिंग है या कुछ भी है, तो बिंदास कॉमेंट कर दो मुझे, ठीक है, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।